तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे अपने घरों में। और कैसे हो आप सभी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और आज हम बेसिकली निकले थे घर के लिए थोड़ा सब्जी वगैरह लेने के लिए, तो हम आए हैं विलेज वीकली मार्केट पे। तो हफ्ते में, मतलब आप लोगों को भी मालूम होगा, हफ्ते में बहुत सारे मार्केट ऐसे होते हैं विलेज में कि हफ्ते में एक ही दफ़ा मतलब ओपन होता है। तो यहाँ पे हमें खाने के लिए बहुत कुछ मिला है, जो बहुत नायाब चीज़ें भी दिखाई दिया है, और मतलब सब्जी वगैरह बहुत कुछ दिखने को मिला है। तो इसीलिए मैंने सोचा है कि एक वीडियो यहाँ पे शूट करते हैं और आप लोगों को विलेज मार्केट के बारे में बताते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं कि विलेज मार्केट में क्या क्या मिलता है। आप लोग बने रहिए हमारे साथ पूरा वीडियो के एंड तक, और आपको बहुत कुछ दिखने को मिलेगा और विलेज मार्केट के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जब हम रोड क्रॉस किया है हमने, तो हमें यहाँ पे बहुत सारे चप्पल की दुकान मिले, और ये सब लोकल चिकन के मार्केट है, मतलब जो कंट्री चिकन होता है उसी का मार्केट है यहाँ पे। तो इसके बाद हम आगे चलते गए तो यहाँ पे कुछ पौधे वगैरह मिल रहा था। तो यहाँ पे एक मैंगो ट्री है, जो मतलब अभी मैंगो का सीज़न भी नहीं है, तो उसमें फ्लावर आ रखा था, तो मैं वो वही दिखा रहा था यहाँ पे। यहाँ पे बहुत सारा सामान बिक रहा है, तो हम अभी जा रहे हैं फिश मार्केट की तरफ, कि उधर से पूरा मार्केट का एंट्रेंस होता है, तो पहले फिश मार्केट देख के हम अंदर जाएंगे। यहाँ पे ये अंकल शहद बेच रहे हैं, कहाँ से मधुमक्खी का छत्ता तोड़ के ले आए ये। यहाँ पे बहुत सारे मतलब साग वगैरह मिल रहा था, और ये रॉ बनाना मिलता है बहुत ज़्यादा यहाँ पे। अभी हम आ चुके हैं मछली मार्केट पे, तो यहाँ से मछली मार्केट स्टार्ट है, और आसाम में ज़्यादातर लोग मतलब फ़िश के ऊपर डिपेंडेंट है, तो और यहाँ का रीजनल फूड में फ़िश बहुत ज़्यादा मतलब मिक्स होता है, तो इसीलिए फ़िश का मार्केट बहुत ज़्यादा बड़ा है, और बहुत ज़्यादा फ़िश आपको दिखेंगे मार्केट पे। किसी भी आप मार्केट पे चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, तो आपको फ़िश बहुत ज़्यादा दिखाई देगा यहाँ पे। ये जो फ़िश है ये रिवर का फ़िश है, तो इसीलिए इनको अलग से रखा गया है। उनका मतलब रिवर का जो फ़िश होता है उनका टेस्ट भी अच्छा रहता है। और ये जो ऑरेंज वाला फ़िश है, इसको जापानीज फ़िश बोला जाता है, तो ये भी बहुत अच्छा रहता है। और ये जो है इसको मगूर बोलते हैं, मगूर फिश, और ये एक हाइब्रिड कॉर्प है, और ये काफ़ी बड़ा है साइज में। यूजुअली जो लोकल वाला होता है वो बहुत छोटे होते हैं साइज में। अभी हम यहाँ से जा रहे हैं सब्जी मार्केट की तरफ, तो यहाँ पे काफ़ी सारा सब्जी आपको सिमिलर दिखाई देगा, आप लोग हर मार्केट में जो मिलता है, और काफ़ी सारा ऐसा सब्जी है मतलब जो आपको कहीं और नहीं दिखाई देगा, क्योंकि यह लोकल सब्जी है। तो यहाँ पे जलेबी बिक रहा था, वो ऑरेंज कलर का, और ये जो चीज़ है ये है नींबू है, तो आसाम का जो नींबू होता है वो साइज में थोड़ा बड़ा दिखता है। तो मार्केट में हमारे साथ एक ट्रेजिक स्टोरी ये हुआ था कि यहाँ पे कोई बंदा है जिसको लोग कुछ चिढ़ाते रहते हैं, तो वीडियो के बारे में, कि मोबाइल पकड़ मतलब मोबाइल लेके उसके पास जाते हैं और बोलते हैं अच्छा अपने बारे में कुछ बताओ, अपने दुकान के बारे में कुछ बताओ। तो वो मतलब बंदे को इतना फ्रस्ट्रेट कर दिया है लोगों ने मिलके, वीडियो देखता है कि कोई वीडियो कर रहा है या मतलब मोबाइल लेके आ रहा है उसके तरफ, तो वो पूरा पागल हो जाता है। तो यहाँ पे हम उस बंदे से पीछा छुड़ा के आ रहे थे, तो हमें एक फ्रूट्स दिखाई दिया है,
तो आप लोग इसका नाम बता सकते हो? हमें मेरे को नहीं मालूम क्या बोलते हैं इसको, एक्चुअली जाम्बूरा बोला जाता है। ये दिखने में बहुत बड़ा शेप का है लेकिन अंदर से वो ऑरेंज की तरह होता है। अभी आए हैं हम बिस्कुट लेने के लिए यहाँ पे। ये जो मतलब बिस्कुट का फैक्ट्री है वहाँ से आता है डायरेक्टली यहाँ पे सामान, तो यहाँ पे बहुत कुछ मिल रहा था। तो हमने बिस्किट भी ले लिया, फिर हम आए यहाँ पे कुछ चाट वगैरह खाने के लिए। तो ये चाट के दुकान है, बहुत सारे दुकान लगा हुआ है यहाँ पे जो चाट, और यहाँ पे आलू बोंडा जैसे एक चीज़ बिकता है वो, उसको चॉप बोला जाता है, तो चॉप भी बिक रहा था यहाँ पे। तो ये जो अंकल है ये हमारे जाने पहचाने हैं, और इनका जो चीज़ होता है वो काफ़ी टेस्टी रहता है। और तो हमने अंकल के पास से हमने चाट लिया है, और यहाँ पे हम आए हैं। ये जो चीज़ है मैंने इसके बारे में शॉर्ट्स भी बनाया है, तो इसको बोलते हैं झींगा मिठाई। तो ये भी काफ़ी नायाब और पुराना चीज़ है, मतलब हमारे दादा परदादा के टाइम से ये चीज़ चला आ रहा है। तो अभी मतलब मैक्सिमम जगह पे नहीं मिलता है, लेकिन इस मार्केट में हमें जाने के बाद मिला है, तो इसीलिए हमने ये भी ट्राई किया। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। हमने ट्राई किया है एक छोटा सा ब्लॉग शूट करने को। कैसा लगा आप लोगों को ये वीडियो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और अगर आप लोगों को हमारे चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, और हमारे चैनल में और भी वीडियोज़ है वो आप देख सकते हो चैनल पर जाके। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।